मिनट में बात करने के लिए कौन आएगा? पहले तो पंचेस पांच सोशल, ये वो लोग हैं जिनके पीछे कम से कम बड़े कम टाइम में पोजीशन जिनाब गुलाम नबी आजाद साहब का हम स्वागत। थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूँ, लेट हो गया, क्योंकि किल्लू से चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, और आज के दिन से ये शुरुआत होगी जो खासकर हमारी तरफ से, कि ये लोग जो यहाँ पे बैठे हैं ये कोई मैंडेट के लिए नहीं या किसी ओहदे के लिए नहीं, ये आपके लिए। तनवीरदार साहब से गुजारिश करूंगा आप स्टेज पे आए, तो तनवीरदार साहब और बाकी जितनी हमारी टीम साइड साइड थोड़ा साइड सबको बताएंगे बाद में। मैं नाम लूंगा जल्दी जल्दी, इधर ही रुके। बिलाल अहमद पंच डांगरपुरा, गुलाम हुसैन डांगरपुरा, अली मोहम्मद आथर रोजगारी के बगैर कुछ नजर नहीं आता। हजार वर्ष पहले भी चंद सालों से मुल्क की जो सियासी तस्वीर है उसमें ये मालूम नहीं कि कल आदमी कहां था, आज कहां और कल कहां होगा। और जम्मू कश्मीर में तो खास तौर पर मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग पार्टी के लीडरों की इज्जत करता हूं, मुझसे उम्र में बड़े हों या छोटे हों, क्योंकि रियासत के हालात ऐसे हैं, अनसर्टेंटी है, गुज़िश्ता 8 सालों से इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो इस अनसर्टेंटी में मैं उन पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहूँगा, शायद अपनी जगह वो दुरुस्त होंगे, लेकिन आखिरकार ये अपनी अपनी पार्टी के रहबर और रहनुमा, उनको तय करना होगा कौन इलेक्शन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। लेकिन इलेक्शन की हो या ना हो ये अनसर्टनटी दूर होनी चाहिए, जो हमारी स्टेट के सियासत पर गुज़िश्ता 5-6 बरसों से जब से हुकूमत बर्खास्त हुई है तब से ये मंडला रही, और इस अनसर्टनटी की वजह से बहुत सारी मुश्किलात यहाँ पैदा हुए। वो मेरा काम नहीं है, पाकिस्तान का मसला हिंदुस्तान की काम है, और मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ, हम लोग अपोजिशन में। वो यहाँ की गवर्नमेंट को सोच रहा हूँ, हमारे वक़्त में भी जब हालात या माहौल खुशगवार होता था तब बातचीत होती थी, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कब हालात सियासी तौर पर और बॉर्डर के हिसाब से हमारी हिंदुस्तान की सरकार ये महसूस करे कि टाइम आ गया किसी सरकार में। नहीं, मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है, मैं यही कहूँगा कि कोई तवक्का न करे
कि भाई पैसे के लिए उधर जाना, मेरा काम करने के लिए जो आएगा, मैंने जिससे जो हमारा एजेंडा मेरा चीफ मिनिस्टर के दौरान था, मैंने तो न पैसा खुद खाया और न खाया खाने दिया, बल्कि कानून दुनिया का पहला मैंने कानून बनाया कि जिसकी डिस्प्रोपोर्शनेट प्रॉपर्टी होगी वो गवर्नमेंट की होगी। इसलिए कोई ये नहीं समझे कि भाई हमें आजाद साहब पैसे देंगे और कहेंगे हमारे साथ आओ, नहीं। अगर स्टेट की बहबुद्दी का काम करना है, स्टेट को इस दलदल से निकालना, अगर उनके दिल में जहन में दिमाग में थोड़ी सी भी हमदर्दी है तो ये समझ के आए उस दलदल से निकालने के लिए मेरा जो हाथ है वो पूरा हाथ मैं दूंगा पूरी जिंदगी। मिलिटेंट मैंने बने वापस नहीं बने, मैंने कहा कि जो अपने रास्ते से भटक, ये जरूरी नहीं है कि वो मिलिटेंट बन गए, वो शायद और ग्राउंड कम कर रहा, वो शायद उसका रिश्तेदार उसका दोस्त बन गया, तो बहुत सारे, या हम रास्ते से जो हमारे बच्चे ड्रग खा रहे हैं वो भी तो रास्ते से भटक रहा, कोई कम खराब नहीं, क्योंकि कई वजह है, अंदरूनी वजूहत है, बैरूनी वजूहत है, बेरोजगारी भी वजूहत है, ये तमाम चीज़ें। मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो मैंने सिक्योरिटी फोर्सेस को कहा कि चंद लड़के मैं पकड़ के मुझे एनकाउंटर में मत मार, मैं पूछना चाहता हूँ, और वो निकला कि उसकी 4-5 महीने बड़ी हो गई थी 40-50 की, बेरोजगार, किसी ने उसको फिर पैसा देना शुरू कर दिया तो इधर आ गया, तो मजबूरी हो गई। तो हर इंसान की कोई ना कोई मजबूरी है, तो ये हुकूमत का काम है कि जो मजबूरी से जा रहा है उस मजबूरी को हम दो।